अब मान लीजिए कि मैं इस चैनल पे काम करना शुरू करता हूं, आज मान लीजिए मैंने वीडियो इस चैनल पे बनाना स्टार्ट किया, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस चैनल पे मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे वीडियो वायरल होगा कि नहीं होगा, कि ग्रो होगा चैनल की नहीं होगा। मतलब एक तरीके से समझिए कि आपका चैनल डेड है, फ्रीज है, इस चीज का पता आपको कैसे लगेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, इनका भी चैनल है यूट्यूब पे और इनका भी चैनल है यूट्यूब पे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये रो रहे हैं अपने चैनल के लिए, और ये क्या कर रही हैं, ये हंस रही हैं अपने चैनल के लिए। मतलब इनके वीडियोस पे व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि इनके वीडियोस पे लाइक बढ़ रहे हैं, व्यूज भी बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आप देखते भी हैं, किसी का नया चैनल है तो किसी का पुराना चैनल है। अब एक चीज आपने देखी होगी कि किसी का नया चैनल होने के बावजूद तुरंत ग्रो हो जाता है, वो आपके चाहे कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, चाहे आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, चाहे दोस्त हो सकते हैं, उनका चैनल तुरंत ग्रो हो जाता है। बहुत लोगों के चैनल पुराने होते हैं फिर भी उनके चैनल ग्रो होते हैं, बहुत दिन से वीडियो नहीं भी डाला है, वीडियो डालते ही डालते ग्रो हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया चैनल बनाते हैं फिर भी ग्रो नहीं होता है, और पुराने चैनल बनाते हैं या फिर पुराने चैनल पे काम करते हैं तो फिर भी ग्रो नहीं होता है। आज आपको दोस्तों सच्चाई बता रहे हैं कि आप अगर अपने चैनल पे काम कर रहे हैं तो आपको अपने चैनल पे कंटिन्यू काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बाद में जाके आपको पता चले कि मेरा चैनल ही सही नहीं है और मेरे इतने दिन से मैं वीडियो डाल रहा था और लास्टली साल दो साल में भी चैनल ग्रो नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, डिमोटिवेट होकर चैनल छोड़ देंगे। लेकिन वहां पे आपकी बेवकूफी होगी। क्या बेवकूफी होगी, कि आपने वीडियो तो अपना अच्छा बनाया, 100% अपना वीडियो में दिया, अच्छी एडिटिंग की, अच्छा थंबनेल लगाया, लेकिन कमी कहां थी, आपके चैनल में कमी थी। तो इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस चैनल पे काम कर रहे हैं वो चैनल सही है या नहीं, उस चैनल पे आपको कंटिन्यू काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको नया चैनल बना लेना चाहिए, या फिर पुराने चैनल में कमी है तो वो कमियां कैसे ठीक होंगी। इस टॉपिक पे दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो को बारीकी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक दो दिन का नहीं 10-12 साल का एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे चैनल में कमी है। अब जैसा कि देखिए मैंने बताया कि इनका भी चैनल था, ठीक है, और इनका भी चैनल था, अब दोनों लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इनका व्यूज नहीं बढ़ रहा है तो इन्होंने चैनल को छोड़ दिया डिमोटिवेट होके, और इन्होंने क्या किया कि इनके व्यूज और लाइक बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, तो इन्होंने यूट्यूब से पैसा कमाना शुरू कर दिया। मतलब कि ये सही हो गए और ये गलत हो गए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं लाइव एग्जाम्पल के साथ कि होता क्या है। सबसे पहले अपना यहाँ पे मोबाइल फोन हम लेंगे, और मोबाइल फोन लेके आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको सारी चीजें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हो क्या रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर देता हूं। ये देखिए, ये मेरा क्रिएटर स्टूडियो है जिसपे एक चैनल है टेक्निकल बाबा नित्या 2.0। दोस्तों ये मेरा ही चैनल है जो काफी पहले मैंने बनाया था, जिसपे कि 2,48,000 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन इस चैनल पे मैंने वीडियो कितने दिन से नहीं डाला वो भी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, 1 साल से मैंने इस पे वीडियो नहीं अपलोड किया है। 1 साल पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, 2.6 के व्यूज बस इस चैनल पर गए थे। आप सर्च करके भी चैनल को देख सकते हैं, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि अभी भी ये चैनल ग्रोथ में है, अभी भी इस चैनल पे 2,000 रुपए 1,900 रुपए हर महीने बन रहा है, जबकि मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं और इतने दिन से मैंने किया भी नहीं है इस चैनल पे वीडियो अपलोड। अब सोचिए, चैनल काफी पुराना है, काफी दिन से मैंने इस पे काम भी नहीं किया, फिर भी ये ग्रोथ में है और फिर भी इस पे व्यूज आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं इस चैनल पे काम करना शुरू करता हूं, आज मान लीजिए मैंने वीडियो इस चैनल पे बनाना स्टार्ट किया, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस चैनल पे मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे वीडियो वायरल होगा कि नहीं होगा, कि ग्रो होगा चैनल की नहीं होगा। मतलब एक तरीके से समझिए कि आपका चैनल डेड है, फ्रीज है, इस चीज का पता आपको कैसे लगेगा। हाँ, ये चीज मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग काफी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, एटलीस्ट 50 या 100 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। ये कोई नए लोगों के लिए नहीं है कि जिन्होंने 4 वीडियो अपलोड किया और वो ये चीज देखेंगे, नहीं,
पहले तो आप चैनल बनाते हैं तो पहले एटलीस्ट 30 40 50 100 वीडियो आपको अपलोड करना है, तब इस चीज का पता चलेगा कि आपको उस चैनल पे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, उस चैनल में प्रॉब्लम है या नहीं है, वो उसके बाद पता चलेगा। तो जिन लोगों ने भी अपने चैनल पे 50-100 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उन लोग इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे क्या है, टॉप कंटेंट लिखा हुआ है, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि चोरी हुआ मोबाइल फोन 10 मिनट में कैसे ढूंढें। यहां पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो पे 7,97,000 व्यूज गए हैं, और अभी भी अगर इसका ग्राफ आप देखेंगे तो अभी भी अप है, और हर 48 घंटे में, एवरी 48 आवर्स में, 48 घंटे में इस पे 1,303 यहां पे व्यूज जा रहे हैं, मतलब कि 1,303 व्यूज यहां पे आ रहे हैं। और इस चैनल पे इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद, एक साल चैनल छोड़ने के बावजूद भी ये चैनल चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इस वीडियो का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है, और ये वीडियो कहीं ना कहीं दुनिया में चल रही है, और इसी के कारण यहां पे अगर आपको एक चीज दिखाऊं तो यहां पे आप देखिए कि 48 घंटे में 2,945, मतलब कि 3,000 व्यूज इस पे रेगुलर आ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इस चैनल पे कंटिन्यू करना शुरू करता हूं तो सबसे पहले मुझे एक चीज देखनी होगी कि इस पे व्यूज कितने आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपका कोई चैनल है, पुराना है, ठीक है, या फिर कोई नया ही चैनल है जिसपे आपने 100 वीडियो डाल भी दिए हैं, फिर भी आपको मेन चीज जो है वो क्या देखना है। सबसे पहले आपको अपना क्रिएटर स्टूडियो ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका क्रिएटर स्टूडियो नजर आएगा। अब आपको किसी भी एक सेक्शन पे क्लिक करना है, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, एस्टिमेटेड रेवेन्यू। चलिए हम एस्टिमेटेड रेवेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज देखना है दोस्तों कि मेरा रियल टाइम क्या चल रहा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके चैनल में जो आप वीडियोज अपलोड करते हैं, ध्यान से समझिएगा, वो वीडियो ही डिसाइड करती हैं कि आपका चैनल डेड है या आपका चैनल फ्रीज है या आपका चैनल ग्रो होगा कि नहीं। चैनल डिसाइड नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी आप वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते हैं वही इस चीज को डिसाइड करता है कि आपका चैनल डेड या फ्रीज है कि नहीं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे कि इस चैनल पे मैंने एक साल से कोई वीडियो नहीं अपलोड किया, एक साल से ज्यादा ही हो गए होंगे, लेकिन फिर भी यहां पे मेरे वीडियोस, जो वीडियो चल रहे हैं वही इस चैनल को जिंदा रखे हुए हैं। अब आप सोचिए कि एक साल से वीडियो तो नहीं अपलोड हुआ, लेकिन अगर वीडियोस नहीं चलती तो यहां पे क्या होता, यहां पे जीरो हो जाता या 10 हो जाता या 20 हो जाता या 50 हो जाता। तो इससे क्या पता चलता कि मेरा चैनल चलना बंद हो गया है, बहुत ही कम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। अब आपको यहां पे सिर्फ एक चीज देखना है, अगर आपने 50-100 वीडियो अपलोड कर भी दिए हैं फिर भी अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो यहां पे आपको एक ही चीज देखना है कि आपके 1000 से कम तो नहीं है वॉच टाइम। यहां पे अगर 1000 से कम अगर आपके व्यूज आ रहे हैं रियल टाइम में तो यहां पे आपका चैनल फ्रीज या डेड है। क्योंकि देखिए 500-700 अगर व्यूज आ रहे हैं आपके तो कितनी वीडियोस पे आ रहे हैं, 50 वीडियो, 100 वीडियो आपने अपलोड किया है तब जाके जो है आपके 50 या 100, 500 या 1000 व्यूज आ रहे हैं। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 100 वीडियो अपलोड कर दिया और आपके एक एक वीडियो पे अगर 10-10 भी व्यूज आ रहे हैं दोस्तों तो फिर भी 1000 से ज्यादा हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो अगर आपने 50-100 वीडियो अपलोड कर दिया, उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं जो लोग अपने चैनल पे 50-100 वीडियो नहीं अपलोड किए, उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जिन्होंने 50-100 वीडियो अपलोड कर दिया और उनके एक एक वीडियो से अगर 10-10 भी व्यूअर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब इनका चैनल फ्रीज है या डेड है। अब इस चीज को समझिए कि कैसे आपको पता चलेगा। अगर यहां पे 1000 से कम रियल टाइम चल रहा है, 48 घंटे यहां पे आपको सिलेक्ट करने हैं, कम चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि मेरा चैनल डेड या फ्रीज है, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। अब इस चीज को सही कैसे करेंगे, इस चीज को सही करने के लिए मैं आपको दो स्टेप्स बताऊंगा। दोनों स्टेप्स अगर आप ध्यान से फॉलो करते हैं तो आपका चैनल डेड या फ्रीज भी होगा तो उसको आप अनफ्रीज कर सकते हैं या वापस से अपने चैनल में ग्रोथ ला सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, यहां पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको अपना जो है चैनल सर्च करना है कि मेरा चैनल जो पहले था वो अब जो है सो है कि नहीं। अब इसको जो है सो सर्च करना है टेक्निकल बाबा नित्या 2.0। चलिए मैं यूट्यूब पे सर्च कर देता हूं 2.0। चलिए इसको मैंने सर्च कर दिया। अब मैंने सर्च किया, यहां पर आप देख सकते हैं कि चैनल आ जा रहा है। अगर
आपका चैनल शो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले अपने चैनल का नाम चेंज कीजिए, या फिर सेकंड पे या थर्ड पे चेंज हो रहा है तो पहले काम अपना कीजिए कि नाम चेंज करिए। नाम चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो चैनल के कीवर्ड्स होते हैं वो आपको चेंज करना बहुत जरूरी है, उसको चेंज कीजिए, और भी जो सेटिंग्स 2024 में आई हुई हैं उनको अपडेट करिए। लेकिन इन सारी चीजों को करने के बावजूद एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, जैसे आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो आपको अपने चैनल के कीवर्ड्स में वही कीवर्ड अपडेट करने हैं जो लोग कुकिंग से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो जो लोग ब्लॉगिंग से रिलेटेड देखते हैं उन्हीं कीवर्ड को अपडेट करना है। इन चीजों को करने के बावजूद आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने पड़ेंगे जो आपके चैनल को उठाएं, जो आपके चैनल को ग्रो करें। इन सारी चीजों को करने के बाद भी अगर आप इन टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाते हैं तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल अनफ्रीज हो या फिर डेड है तो वापस से ग्रो हो, तो इसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर है, हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। 3 से 4 दिनों का प्रोसेस होता है, उसको करेंगे आप और 100% आपको ग्रोथ दिखेगी। ये वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।